हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर टू जो कि है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सेवन्थ सेंचुरी तक क्या हुआ, बहुत सारे इमर्जिंग डायनेस्टीज आए इंडिया में, जैसे गुजरा प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास और चौहान्स। ठीक है, तो ये सब आए कैसे? तो सेवन सेंचुरी तक क्या हुआ था, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडिया और उसके अगल बगल के रीजन में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे। अब जो उस टाइम के राजा थे वो इन लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को अपना सबॉर्डिनेट मानते थे, मतलब कि ये जो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स है वो उन राजाज के अंडर हैं, जिनको ये लोग समंताज बोलते थे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता था, इन लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स का काम होता था गिफ्ट्स प्रोवाइड करना और मिलिट्री सपोर्ट देना। लैंडलॉर्ड्स जो है राजा को गिफ्ट्स देंगे और वॉरियर चीफ्स जो है मिलिट्री सपोर्ट देंगे। बट जैसे जैसे इन समंतास का पावर और वेल्थ बढ़ता रहा, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को महासमंता और महामंडलेश्वरा बोलना स्टार्ट कर दिया। जो महामंडलेश्वरा है मतलब ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ऐसा एक केस बताया गया है, जो राष्ट्रकूटास थे वो डेक्कन में थे और चालुक्यास थे कर्नाटक में। जो राष्ट्रकूटास थे वो चालुक्यास के अंडर काम करते थे, ठीक है, वो उनके सबॉर्डिनेट थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, 8th सेंचुरी आते आते तक दंती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूटा चीफ थे, उन्होंने क्या किया, चालुक्य ओल्ड लॉर्ड को हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया गया, हिरण्यगर्भा। ठीक है, हमने देखा था एंशियंट हिस्ट्री में कि बहुत सारे राजा जो है रिचुअल परफॉर्म करके क्षत्रिय उसमें आ जाते थे। ठीक है, जो बर्थ बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं होते थे लेकिन रिचुअल परफॉर्म करके क्षत्रिय बन जाते थे। तो वही कुछ काम हुआ था, राष्ट्रकूटा जो एक थे दंती दुर्गा वो एक चीफ थे, उन्होंने अपने चालुक्य ओल्ड लॉर्ड को हटा दिया और खुद एक रिचुअल परफॉर्म करके वहां पे कब्जा कर दिया। इसी तरह एक और केस सामने, और भी केसेस सामने आता है, जैसे कि कदम मैश्रम और गुजरा प्रतिहार, ये दोनों जो है ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया। कदम्बा महेश्वरम ने कर्नाटक में किया और गुजरा प्रतिहार ने राजस्थान के एरिया में किया था। ये दोनों पहले ब्राह्मण्स थे बट इन्होंने क्या किया कि अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के जो है ये लोग किंगडम्स अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिए। तो इस तरीके से बहुत सारी नई डायनेस्टीज आई, कुछ ब्राह्मण्स ने अपना किंगडम्स बना लिए और कुछ समंतास मतलब लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स ने अपने ओवरलॉर्ड को हटा दिया और इस तरीके से नई डायनेस्टीज आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने देखा चालुक्यास आए, ठीक है, चालुक्यास तो थे ही, राष्ट्रकूटास आए, ठीक है, गुजरा प्रतिहार्स आए। ठीक है, तो ये सब नए नए किंगडम आने स्टार्ट हो गए थे। अब बात करते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था यहाँ पे। तो बहुत सारे राजा थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े टाइटल्स लिए थे, जैसे महाराजाधिराज हो गया, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्तन हो गया। महाराजाधिराज मतलब कि ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग या ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्तन मतलब कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो ये सब बड़े बड़े टाइटल्स राजास लेते थे। हालांकि उन्होंने टाइटल्स तो लिए थे लेकिन अपने पावर को वो लोग शेयर करते थे समानताज के साथ, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ। अब इनकी उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी, समानताज के साथ हमें पता है क्योंकि उन्हें गिफ्ट चाहिए, ठीक है, उन्हें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, पीजेंट्स और ट्रेडर्स से भी उन्हें अच्छा खासा प्रोड्यूस मिलता था और ब्राह्मण्स रिचुअल्स के लिए चाहिए होते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो पीजेंट्स, कैटल कीपियर्स, आर्टिसन, इन सब से मिल जाता था। जो भी वो लोग उगाएंगे उसका कुछ पार्ट जो है आपको राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा जो ओरिजिनल लैंड ओनर था, ठीक है, वो लोग जो है रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है, ट्रेडर्स से जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज मिलते थे, पीजेंट से प्रोड्यूस हो गया, ट्रेडर्स से रेवेन्यू हो गया, जो लैंड ओनर्स है वो लोग अपने लैंड से कुछ रेंट कलेक्ट करते थे अगर कोई काम दिया किसी को। तो इस तरीके से रिसोर्सेज धीरे धीरे कलेक्ट हो रहे थे। अब इन रिसोर्सेज का क्या यूज़ था, रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम फोर्ट्स बनाने होते थे, टेंपल्स बनाने होते थे, इन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जब भी वॉर्स होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का खर्च होता था। तो वॉर करने का ये भी एक था कि आप किंगडम तो एक्सपैंड कर रहे हो, उसके अलावा आपको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं। जब भी आप जगह कोई जीतोगे तो वहाँ के रिसोर्सेज भी आप ले लोगे, जिससे कि आप अपने मिलिट्री को, अपने फोर्ट्स को, अपने टेंपल्स को बहुत ज़्यादा और अच्छा बना सकते हो। इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का था, जो टैक्स कलेक्ट करने का था, वो हेरिडिट्री हो गया था, ठीक है, मतलब कि एक
फादर है उसका सन अगला होगा, फिर उसका सन होगा, इस तरीके से हो गया था, ठीक है। और ये जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था, ये कलेक्शन ऑफ टैक्स था, ये जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को दिया जाता था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे राजास के, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते थे, उनको ये काम दिया जाता था, और धीरे धीरे हेरिडिटी भी हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पीजेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, ट्रेडर्स थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू का काम होता था टेम्पल्स और फोर्ट्स को बनाने के लिए, फिर वॉर्स को भी लड़ने में रेवेन्यू काम आता था। इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को सौंपा जाता था, जो कि हेरिडिटी बन चुका था। ओके, हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स है अभी और जीएसटी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। उस टाइम पे क्या था, चोलास इंस्क्रिप्शन में एक पाया गया कि तमिलनाडु में 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पाए गए थे, ठीक है। चोला किंगडम के एक इंस्क्रिप्शन में ये पाया गया कि वो लोग 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेते थे। उसमें से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैंशनड है वो है वेट्टी, जो कि कैश में नहीं, फोर्स लेबर के थ्रू होता था, और आता था कदमबाई होता था लैंड रेवेन्यू में, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। और टैक्स होता था घर को अगर जोड़ना है तो, अगर आपको लैडर का यूज़ करना है ट्रीज पे क्लाइम करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे टैक्स होता था। तो उस हिसाब से 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे चोला के एम्पायर में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैंशन आता है वेट्टी का और कदमई का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रशस्तीस के बारे में। तो प्रशस्तीस आप सबको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, किसी के प्रेज में अगर कोई बात लिखी होती तो प्रशस्तीस होती। अब जो राजास हैं उनके प्रशस्ति में अगर बोला जाए तो राजा कैसे थे, ठीक है, कितनी लड़ाइयाँ जीती, कितना बड़ा किंगडम था, प्रशस्ति में ये लिखा जाता था। और बहुत बार क्या होता था, प्रशस्ति बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को दिए थे, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रशस्ति ने बहुत ओवरडू कर दिया है, मतलब कोई कुछ हुआ वैसा नहीं था लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया। तो जो प्रशस्ति लिखने का काम होता था, ठीक है, ये होता था ब्राह्मण्स का, जो कि कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। अब राजा जो है ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड देते थे, उनको क्या रिवॉर्ड देते थे, लैंड का रिवॉर्ड देते थे। अब जो ग्रांट ऑफ लैंड है, जो उनको लैंड दिया गया है, उसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता था, उनको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स पे, कॉपर के प्लेट्स होते थे, उस पर रिकॉर्ड किया जाता था कि हाँ मैंने इस ब्राह्मण को इतना लैंड दिया है, ठीक है। और उसमें एक रॉयल सील भी होती थी, जिसको मतलब कि एक ऑथेंटिकेशन होता था, मतलब कि ये जो है पूरी तरीके से इस ब्राह्मण का, इससे उसको कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो प्रशस्तीज में जनरली क्या होता था कि राजा उसको बहुत बड़ा राजा बनाया जाता था, दिखाया जाता था। एक जगह एक हमने देखने को मिला है कि 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोएम है जिसमें हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जो कि कश्मीर में रूल किए उसके बारे में लिखा गया है, और इसको कंपोज किया है एक ऑथर ने जिनका नाम था कल्हाना, ठीक है। और इन्होंने किया है बहुत सारे सोर्सेस का, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस का यूज़ करके एक अकाउंट लिखा है। और प्रशस्तीस में जनरली तारीफ होती थी, लेकिन जो कल्हाना का रिकॉर्ड था उसके हिसाब से बहुत सारे रूलर्स का उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो प्रशस्तीस में हमें देखने को ये मिलता है कि प्रशस्तीस जो है वो रूलर्स अपने को कैसे डिपिक्ट करवाना चाहते थे, उनके प्रेज में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती थी, ब्राह्मण्स उसको लिखते थे और बदले में किंग्स उनको लैंड देते थे। उस लैंड को रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब जो ग्रांट ऑफ लैंड है वो, उसका जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर के प्लेट्स में, ठीक है, और उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए एक रॉयल सील भी दिया जाता था। कल्हाना एक ऑथर थे जिन्होंने बताया है कि एक बहुत सारे रूलर्स को क्रिटिसाइज़ किया, उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, अनलाइक प्रशस्ति है, इसलिए इनका एक अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह एक प्रशस्ति है नागभट्ट की। नागभट्ट जो है वो एक प्रतिहारा किंग थे, ठीक है। एक प्रशस्ति पाई गई थी संस्कृत में, जो कि लिखी गई थी संस्कृत में, इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। उन्होंने नागभट्ट के बारे में किया था, जो कि एक प्रतिभा किंग थे। तो लिखा है, द किंग्स ऑफ आंध्रा, सिंध, विदाबरा एंड कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, ही डिफीट द किंग ऑफ वंगा, मालवा, किरता, तुरसका, बत्ता एंड मत्स्या, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रशस्ति में नागभट्ट, जो कि प्रतिहारा किंग है, उनके बारे में लिखा गया कि बहुत सारी इन्होंने लड़ाइयाँ जीती थी, बहुत सारे राजा को हराया था, बहुत सारे किंगडम उनके
तो हमने ये देखा था कि जो राजा थे वो ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट देते थे, ठीक है, लैंड देते थे। अब लैंड ग्रांट देते थे, उसके साथ कुछ और भी मिलता था क्या? तो ये चोला डायनेस्टी का एक पार्ट है, यहाँ पे दिया गया, मेंशन किया गया लैंड ग्रांट के साथ और क्या चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया गया कि जितने भी लैंड्स है उसको हमने डिवाइड किए बाउंड्रीज में, उस बाउंड्रीज को बनाने में यूज़ हुआ अर्दन एम्बाकमेंट्स और प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस का। ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का मिट्टी का चीज़ या फिर कुछ बुशेस लगा के लैंड को डिवाइड कर दिया गया है। अब उस लैंड में बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे ट्रीज हो गया, गार्डन्स हो गया, वेल्स हो गया, ओपन स्पेस हो गया, विलेज हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब सब चीज़ें लैंड के आसपास होती थी। अब जिसको लैंड दिया गया है वो जो है वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है अगर वहाँ कोई व्हीकल आता है, कोई क्लॉथ वूवन करता है, वो सब। वो उस लैंड को, जो अगर किसी इंसान को लैंड मिला है तो वहाँ पे वो लार्ज रूम्स बना सकता है, स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने इरिगेशन के लिए अच्छा खासा काम कर सकता है, लेकिन उसको ये बात ध्यान रखना है कि अगर वो इरिगेशन के लिए काम कर रहा है तो उसको जो है वाटर को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो बहुत सारे ट्रीज को प्लांट कर सकता है, इरिगेशन कर सकता है, लेकिन वाटर वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि उस टाइम भी वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता था, एनवायरनमेंट पे थोड़ा बहुत फोकस होता था उस टाइम भी। तो जो लैंड दिया जाता था उसमें कुछ भी हो सकता था, उस लैंड को डिवाइड किया जाता था बुशेस के यूज से या किसी भी चीज़ के यूज से। उस लैंड में बहुत सारी चीज़ें होती थी, ट्रीज होती थी, कैनाल्स होते थे, विलेज होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और जिसको वो लैंड दिया गया है वो उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वो उस पर बिल्डिंग्स बना सकता है, ट्रीज लगा सकता है, इरिगेशन का फैसिलिटीज लगा सकता है। उसको ध्यान में ये रखना है कि वाटर वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लैंड के साथ दी जाती थी। तो जितने भी ये सब स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, चाहे राष्ट्रकूटास हो, चोलास हो, चौहान्स हो, ये सब अलग अलग रीजन्स में थे इंडिया में। ठीक है, अब हर एक रीजन में हर एक रिसोर्सेज तो मिल नहीं पाते थे। कुछ ऐसे सिटीज होते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। उस एक सिटी का नाम था कन्नौज, जो कि गंगा वैली में थे। तो बहुत टाइम तक जो है गुजरा प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज, ये तीनों जो है लड़ते रहे कन्नौज के लिए। अब क्योंकि ये थ्री पार्टीज हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रही थी, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, इन्हें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल तीय का नाम दे दिया। जो गुजरा प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, पालास थे, ये तीनों हमेशा कन्नौज की सिटी के लिए लड़ाई करते रहते हैं, कन्नौज किसका होगा। अब क्योंकि ये लोग तीन थे तो इसको हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, इन तीनों में स्ट्रगल होता था किसको कन्नौज मिलेगा। इसके अलावा रूलर्स क्या करते थे, अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने रिसोर्सेस को दिखाने के लिए बहुत सारे टेम्पल्स बनाते थे। और जब वो दूसरे किंगडम्स में अटैक करते थे तो सबसे पहले वो लोग टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे, जो कि सबसे ज़्यादा रिच होता था। ठीक है, ताकि उनका जो पावर है, मतलब जो दूसरे किंगडम का पावर है, उसको ख़राब किया जा सके। क्योंकि माना जाता था कि जो राजा बहुत बड़ा है उसके बहुत बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे। तो जब भी दूसरे किंगडम पर अटैक होता था तो उन टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था कि सबसे पहले तो उसी को ख़त्म कर दो, हम लोग बड़े राजा हैं, वो लोग बड़े राजा नहीं हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा कि जो रूलर्स थे क्या करते थे, दूसरे किंगडम पे अटैक करते थे तो उनका मेन टारगेट होता था टेम्पल। ठीक है, ताकि वहाँ से रिसोर्सेज को लूटा जा सके। तो इस चीज़ में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है सुल्तान मोहम्मद का। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान के रूलर थे, जिन्होंने रूल किया 997 से लेकर 1030 तक। और इनका जो पार्ट था, जो कंट्रोल था, वो था सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का। तो जो सुल्तान मोहम्मद है ये क्या करते थे कि हर साल इंडिया सब कॉन्टिनेंट को क्या करते थे, रेड करते थे, यहाँ आते थे, यहाँ के टेम्पल्स को टारगेट करते थे और यहाँ से सारा चीज़ लूट के चले जाते थे। ऑलमोस्ट हर साल होता था और ये बहुत सारे वेल्दी टेम्पल्स को टारगेट किया इन्होंने। गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है उसको भी टारगेट किया गया था। और जो भी यहाँ से चीज़ को लूटा जाता था उसको जो है यूज़ किया जाता था गजनी सिटी को डेवलप करने में। मतलब हर साल यहाँ पे आए, यहाँ से लूटा और फिर गजनी सिटी को डेवलप करने के लिए सारे रिसोर्सेज को लगा दिया। फिर यह होता है कि जो सुल्तान मोहम्मद है, इनका मन करता है कि जो भी रीजन्स को उन्होंने कॉन्कर किया है इसके बारे में उन्हें और जानने की ज़रूरत है। तो सब कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं, अपने एक स्कॉलर अल बिरूनी को वो भेजते हैं। अल बिरूनी को भेजते हैं, ठीक है, कि बताइए कि सब कॉन्टिनेंट कैसा है, क्या है। ठीक है, तो अल बिरूनी जो है एक अरेबिक वर्क
करते हैं जो कि है किताबुल हिंद। ठीक है, तो जो किताबुल हिंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, ताकि हम लोग जान सकें कि उस टाइम पे हमारी सबकॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था, कैसा वर्क होता था। अब किताबुल हिंद को जो लिखा था अल बिरूनी ने, तो अल बिरूनी ने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स का हेल्प लिया था, संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट किया था कि कैसे क्या है, बताइए क्या होता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें लिख कर किताबुल हिंद को लिखा गया था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। सुल्तान मोहम्मद जो है वो अफगान के रूलर हैं, जिनका पार्ट्स था सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हर साल आते थे, लूटते थे और गजनी सिटी को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज को ले जाते थे यहाँ से। ओके, इनके अलावा जो चमनास थे, जिनको बाद में चौहान्स भी बोलते थे, वो भी वॉरफेयर में मतलब बहुत ज़्यादा काम इंगेज थे। ठीक है, जो चौहान्स हैं उनका जो रूलिंग एरिया है, जो रीजन है कंट्रोल का, वो है दिल्ली और अजमेर का। ठीक है, और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे चौहान्स के, वो थे पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री ने जो है सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो अफगान के रूलर थे, उनको हराया था 1191 में, लेकिन वो अगले साल 1192 में फिर उनसे हार भी गए थे। ठीक है, तो चौहान्स का एरिया था दिल्ली और अजमेर, सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज थ्री। अब चौहान्स ने क्या किया, अपने रीजन को जो है बढ़ाने की कोशिश की थी वेस्ट और ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में उनका रास्ता रोक दिया था चालुक्यास ऑफ गुजरात ने, और ईस्ट में उनका रास्ता रोक दिया था गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये वेस्ट और ईस्ट में भी अपना ज़्यादा टेरिटरी एक्सपैंड कर नहीं पाए थे, तो उनका टेरिटरी दिल्ली अजमेर तक ही रह गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज थ्री थे इनके। और इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा अब तक। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।